विषय को लेकर के आपसे मैं मिलता रहा हूं। आज मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा बल्कि बहुत बड़ी एक खुशी का भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कोई भी एक हमारा युवा साथी बचपन में पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई के बाद कुछ न कुछ हुनर सीखता है और उसके बाद उसका काम जो है वो कोई ना कोई रोजगार मिले इस तलाश में वो रहता है। रोजगार केवल परिवार पालने के लिए नहीं बल्कि एक हर व्यक्ति का युवा का स्वप्न होता है कि मुझे कोई अच्छा रोजगार मिले। पहली प्राथमिकता रहती है कि कोई सरकारी नौकरी मिले, चाहे पक्की मिले या कच्ची मिले, और अगर वो प्राप्त करने में उसको सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रोजगार उसको करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में जाकर के काम करते हैं, उसी में उनका सिस्टम आगे बढ़ता है, लेकिन जिनका न पैतृक व्यवसाय में कोई काम होता है और न ही सरकारी नौकरी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी अथवा अपना स्वयं रोजगार छोटा हो या बड़ा हो इसकी तलाश होती है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के नाते से लगातार प्रयत्न करते हैं कि हर किसी को कोई न कोई व्यवसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए, और उस अवसर में हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं, जैसा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जो गरीब परिवार है, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया वार्षिक से भी कम है और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति युवा हो अच्छा, अगर युवा नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो, कोई महिला हो, ताकि उस परिवार की आय बढ़े और अपने परिवार का ठीक से वो अपना व्यवस्था जो है गुजारे की कर सके। हमने इस योजना के अंतर्गत अभी तक 400 कैंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर और लगभग 50,000 लोगों को और ये नौकरियां दी हैं। वहीं पर हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है, और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं, कुल 31,000 लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोजगार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है, और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे। अब ये काम चूंकि हर व्यक्ति को काम चाहिए, अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूं तो हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं ये सबको मिलना संभव नहीं है, लगभग 20 से 25 हजार लोग ही सरकारी नौकरी साल में प्राप्त कर पाते हैं, वो भी अभी जो गति बनी है उस गति के हिसाब से ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूं 1999 से 2004 तक, तो एवरेज 2,500 नौकरियां ही प्रतिवर्ष उस समय लोगों को, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा एचपीएससी है, उनको मिली है। और अगर कांग्रेस शासन की बात करता हूं तो 2005 से लेकर 2014 तक उनकी गति भी 8,500 नौकरी प्रतिवर्ष रही है, और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी वो मिल चुकी है, एच कैन की नौकरी, और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20 हजार नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी, लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए, उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार से परिवर्तन करवाए हैं कि उस एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार परक कैसे हमारी शिक्षा हो, हुनर कैसे हम सीख सके। हमने हरियाणा में एक रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के नाते से एक अलग से विश्वविद्यालय पलवल जिले में बनाया है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, वहां भी लगभग 15 से 20 हजार लोगों को हर वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिले। इसके साथ साथ
प्राइवेट उद्योग बड़ी मात्रा में उद्योगों के अंदर भी लोगों को जो नौकरी मिलती है जो अपने आप जाकर के प्राप्त करते हैं। अगर मैं पिछले 10 साल या 9 साल का आपको जानकारी दूं तो हमारे यहाँ 19 लाख लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट उद्योग में जिनको अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजनाएं चलाई है तो मुद्रा योजना के नाते से और लगभग 24 लाख लोगों को पिछले 9 साल के अंदर कुछ न कुछ ऋण उन्होंने लिए हैं और उस ऋण के लेने के कारण से उन्होंने अपने रोजगार अपने उद्योग ये भी खड़े किए हैं। स्टार्टअप इंडिया में भी लगभग 5000 लोगों ने काम अपना किया है, स्टैंडअप इंडिया में भी इतने ही लोगों ने अपना काम किया है। तो इस प्रकार से लाखों लोगों को अवसर प्रदान करने का काम ये हमने किया है और हम इस प्रकार के अवसर और भी आगे जो है आप लोगों को दिलाते रहेंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो सकता है उस सुझाव के माध्यम से ताकि लोगों को रोजगार ये मिले और रोजगार में आगे बढ़े। एक बात और मैं ध्यान करने के लिए आपको बताऊंगा कि आखिर जो हमें रोजगार मिला है ये हमारा प्रारंभिक पहला रोजगार है, इसको स्थायी रोजगार हम न माने बल्कि अपने इस काम को और हम अच्छा रोजगार कैसे प्राप्त करें या अपना जो व्यवसाय है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, निरंतर आगे बढ़ने का भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमारा अनुभव और हमारा प्रयास, निरंतर प्रयास, ये हमको आगे लेकर के बढ़ेगा। प्रारंभ में व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो उसको छोटा रोजगार भी मिले उसको ले लेना चाहिए, लेकिन सतत हमको हर कदम पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे वो अपना काम हो, आखिर मेहनत करेंगे, अनुभव हमारा होगा, अवसर मिलते रहेंगे। समय समय पर नौकरियां मिलती हैं सर, यानी एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है। ये ठीक है कि सरकारी नौकरी में योग्यता का हमने पैमाना एक रखा है, अगर योग्यता आप में होगी, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे तो कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आयु की सीमा भी हमने एक प्रकार से अब 42 वर्ष अंतिम आयु की सीमा सामान्य वर्ग के लिए रखी है, अनुसूचित जाति के लिए तो ये 47 वर्ष है। इसलिए हम हर समय अपनी मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो निरंतर हमारा जो प्रगति का रास्ता है ये खुला रहेगा, हमको प्रसन्नता होगी। तो मैं तो आज इस अवसर पर आपको पुनः बधाई देते हुए इतनी बात कहूंगा कि आपको जो रोजगार मिला है तन्मयता से, मेहनत से और ईमानदारी से आप करते रहें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर आप अवसर खोजते रहें, हम भी और निरंतर अवसर आपको देते रहेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय को लेकर के आपसे मैं मिलता रहा हूं। आज मैं